सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। जिले के हरिहरगंज प्रखंड क्षेत्र के सरसोत गांव निवासी धनंजय शर्मा महाराष्ट्र के कोल्हापुर कमाने गए युवक की विद्युत प्रवाहित तार के चपेट में आने से मौत हो गई। मृतक का शव 42 घंटे के बाद उसके पैतृक गांव सरसोत पहुंचा। एम्बुलेंस से शव गांव पहुंचने की सूचना पर बुधवार सुबह से ही उसके परिजन और ग्रामीण इंतजार कर रहे थे। शव के गाँव पहुँचने की खबर पर प्रमुख संतोषिया देवी, मुखिया प्रतिनिधि सुरेश चौधरी उसके घर पहुंचकर घटना की जानकारी ली और परिजनों को ढांढस बंधाया। शव को गांव पहुंचते ही परिजनों के चित्कार से वहां उपस्थित अन्य लोगों की आंखें भी छलक गई। बता दें कि सरसोत गांव निवासी राजकुमार शर्मा का 28 वर्षीय पुत्र धनंजय शर्मा मजदूरी करने के लिए 3 महीने पूर्व महाराष्ट्र के कोल्हापुर गया था। उसके परिजनों ने बताया कि वह सेटरिंग का काम करता था। इस दौरान 4 अप्रैल को लगभग 1 बजे दोपहर उसने मोटर चालू करने के लिए प्लग को बोर्ड में लगा रहा था। इसी बीच बिजली प्रवाहित तार के चपेट में आने से उसकी मौत इलाज के क्रम में हॉस्पिटल में हो गया। उसके बाद शव उसके पैतृक गाँव लाया गया, जहां परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। वह अपने पीछे 5 वर्षीय पुत्री ज्योति कुमारी और 3 वर्षीय पुत्र गोलू कुमार को छोड़ गए। हरिहरगंज से प्रदीप मेहता की रिपोर्ट।